हेलो नोमैड फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं निकल रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और जा रहा हूँ घर अपने। कितने दिन के लिए अभी ये सब पता नहीं है, ये रास्ते में पता चलेगा। और मेरे साथ हैं लम्बू भाई, पायलट साहब। जय साहब, नंगा आदमी बैठा है, दिखा भी नहीं सकते यार। टी शर्ट पहन लो, कुछ तो शर्म कर लो। जी जी हम साहब लंबे नंगे हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। उधर दिखा, उधर आ जाओ। कद्दू भाई जा रहे हैं, कब मिलोगे? चेन्नई से कब आ रहे हो ये बताओ, चेन्नई से कब आ रहे हो? 15 को गुड़गांव आओगे या दिल्ली? ओके, तो 15 को मिलेंगे फिर। चलो फिर, बाय बाय, मिलते हैं। ये भी ले जाना। टेक केयर, लव यू। जरूरी है क्या पता, उतार किसी को मारना पड़ जाए तब क्या करूंगा? चप्पल निकाल के मारो। हाँ, उतर निकाल के मारना है। हाँ? से काम चल जाएगा। नहीं, इसीलिए गम्बूट नहीं लिया है, वो ज्यादा तेज लगता है, हैवी वाला है। मिलते हैं अभी। चलो बाय बाय मित्रों। बाय बाय मित्रा, बाय बाय। कोटियानंदन ले लो। कोटियानंदन, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त। बाय 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 बाय, बिल्कुल। होली की छुट्टियों के बाद से अब जा रहा हूँ, तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। कुछ दिन फतेहपुर में, कुछ दिन लखनऊ में, कम से कम एक हफ्ते तो लगेगा ही। तुम्हारा कब का है सेकेंड डोज? 1 सितंबर का डेट है यार। 1 सितंबर, मेरा 24 अगस्त का है। हाँ वही, 6-7 दिन बाद। हाँ, 1 अगस्त। आपका भी 24 अगस्त, मतलब सेम डे हम लोगों ने लगवाया है। और सर जी का भी सेम डेट में है, दोनों लोग सेम डे लगा। आप बता दीजिएगा, मैं साथ में ही चलूँगा आपके। मैंने वैसे पिछली बार तो गाजियाबाद में लगवाया था आपकी, देखिए दिल्ली, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो में मैं गाजियाबाद गया था, यहाँ पे सर जी को मिल गया, तो अच्छी बात है। अभी कोशिश करेंगे हम भी कि मुझे भी मिल जाए आपकी बार दिल्ली में, है कि नहीं? त्रिपाठी जी मिलेगा इस बार। तुम्हारा तो रेलवे में ही हो जाएगा ना? हमको तो रेलवे वाले अपनी तरफ से टीका देंगे भाई, वैक्सीन रेलवे लगाएगा हमको। इनका वही सेंटर में ही हो जाएगा, वो इनके सेंटर में नाग वाग भी निकलते हैं। कोबरा वोबरा पकड़ लेना भाई तुम। जंगल सफारी है दोस्त, जंगल सफारी। किसी दिन आएंगे वहाँ पे भी, जंगल सफारी में भी। वीडियो बना के भेजूंगा दोस्त। कहाँ की लोकेशन तुम्हारी? मुरादाबाद के। मुरादाबाद में, मुरादाबाद चलेंगे दिन इनके सेंटर पे। नाग वाग मिल गया तो नाग दिखाएंगे आपको, नाग इन डांस। अकेले रहने का अलग ही मजा है, सर जी ने भी बताया, अकेले रहने का जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। तन्हाई को अपना प्यार बना लीजिए, उससे अच्छा प्यार कहीं नहीं है, ऐसा सर जी का कहना है। अभी अभी एक बढ़िया चीज़ सुनने को और समझने को मिली। अपनी जो ट्रेन है नई दिल्ली से, और उस ट्रेन की खासियत पता है क्या है, वो तो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है या थी ये नहीं पता, अभी मुझे कंफर्म करके बता दूंगा। तो उस ट्रेन का नाम पता है क्या है, वहीं पहुंच के बताता हूँ स्टेशन। बहुत ही स्पेशल ट्रेन है, और इस रूट पे मतलब दिल्ली से अगर आप इलाहाबाद जा रहे हैं तो 2 ट्रेन है जो सबसे बेस्ट हैं, वो डायरेक्ट दिल्ली से चलती हैं, इलाहाबाद ही रुकती है, उसके आगे नहीं जाती हैं। एक तो प्रयागराज एक्सप्रेस और दूसरी है दुरंतो एक्सप्रेस। पता नहीं अभी वो चल रही है नहीं, बट प्रयागराज चल रही है तो इसलिए प्रयागराज में ही चलते हैं। बहुत मस्त ट्रेन है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, चलते हैं। अभी टाइम काफ़ी अपने पास, करीब 1 घंटे हैं, 10:10 पे आएगी अपनी ट्रेन, तो देखते हैं। अब सामान वामान ले जाते हैं, सामान बहुत है अपने पास। कितने बैग हैं लम्बू भाई? 5 बैग हैं, 2 पिट्ठू बैग छोटकू वाले। पता है क्या है,
ज़्यादा दूर लेके ट्रैवल नहीं करना है, मतलब स्टेशन के अंदर पहुँचते ही प्लेटफॉर्म आ जाएगा, तो कहीं जीने वगैरह नहीं चढ़ने हैं, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती। ये जितने देख रहे हैं ना सब ठस हैं एकदम, पूरे भरे भरे किताबों का बोझ है दोस्त, किताबों का बोझ है, कंबल का बोझ है, और इसमें कपड़ों का भी बोझ है, बहुत बोझ लाद के चल रहे हैं हम लोग। और जीवन का बोझ तो लदा ही है, तो अभी जीवन का बोझ और मतलब वो तो बढ़ता ही रहेगा आगे, अभी तो अकेले हैं, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो और बढ़ जाएगा। चलते हैं अभी आगे दिखाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्या मस्त लग रहा है यार। तो एक कब दिक्कत हो गई, अपनी जो ट्रेन है प्रयागराज वो 14 नंबर पे आ रही 16 से, और 16 यही है, अब जीना चढ़ के जाना पड़ेगा यार। हाँ एस्केलेटर की है तो अब वहीं से जाएंगे, जीने नहीं चढ़ने हैं। और ये है सरकार, मतलब दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी सरकारी बिल्डिंग। बढ़िया, पसीने पसीने हो गए तुम तो, हो थका डाला बे, थका डाला, धोखा दे दी इस बार, धोखा दे दी प्रयागराज। ये आ चुकी अपनी रेल लौह पथगामिनी S1 में अपना, अभी 6 मिनट और बाकी हैं ट्रेन चलने में, और इसके साथ साथ कई ट्रेनें और चलेंगी, इलाहाबाद हम सफ़र, देन इसके बाद पुरुषोत्तम, इसके बाद चलेगी कई सारी राजधानी आगे निकलेंगी, मतलब इसी के पीछे आएंगी बट क्रॉस कर जाएंगे कहीं ना कहीं। रात में यही है, किसी गंदी ट्रेन में बैठ गए ना फंस जाओगे यहाँ पे, क्या पता किसी स्टेशन खड़ी है तो क्या पता घंटों खड़ी रहे, इसीलिए प्रयागराज या पुरुषोत्तम वगैरह पकड़िए, इलाहाबाद के लिए वो ज़्यादा सही है। जर्नी स्टार्ट, निकल चुके हैं अब दिल्ली से, अब अगला स्टॉप है अलीगढ़, देन इटावा, देन कानपुर, देन फतेहपुर, इसके बाद फाइनल स्टॉप है इलाहाबाद, प्रयागराज सॉरी। सुबह 7 बजे प्रयागराज पहुँचेंगे और 5 बजे के लगभग फतेहपुर पहुँचेंगे, पहुँच जाएंगे मित्र, जल्दी ही पहुँच जाएंगे। और अभी जो स्पीड है ट्रेन की वो है 110 km/h और 130 तक जाती है ये। खाली टाइम में ट्रेन ने क्या करें, कैंडी क्रश खेलें। भाई 4954 है, पहुंच गया है 5000 का टारगेट था अपना, अब घर पहुंचे होगा कि नहीं ये नहीं पता। दिल्ली में हमने 5000 नहीं कर पाए, दिल्ली में 5000 नहीं कर पाए, इस बात का हमें आज भी अफसोस है। पर हमारे पास पूरे कितने दिन थे, डेढ़ महीने के टाइम में नहीं हो पाया, देखते जाते जाते ट्राई कर लेते हैं फतेहपुर तक। अभी हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद और ये पहला स्टॉपेज है, NCR में ही आते हैं तो क्या बताना, और मात्र 20-25 किलोमीटर है दिल्ली से, 2 मिनट का स्टॉपेज यहाँ पे, देन फिर सीधा अलीगढ़ रुकेगी। अब नहीं लेंगे कहाँ हमारा, हमसे ना मांगेंगे, नहीं मांगे ना, अबे तुम स्टाफ के आदमी हो गए हो, शकल देख के तुम्हारे, और तुमसे क्यों टिकट मांगेगा भाई, उसको जब पता है वो। अब भी आ गए अपनी सीट पे, अपर बर्थ, नीचे वाली सीट पता नहीं किसकी है,
शायद बेच दी गई हो, घूसखोरी हो गई उसमें। बैठ कोई ना, अपनी सीट थी तो ऊपर आ गए, अब सोएंगे। नींद भी लग रही है, आंखें भी जलन कर रही हैं, पूरा दिन मोबाइल में लगे रहो बहुत जलन करती हैं आंखें। तो इसके लिए अभी एक जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ क्या ऐनक लेना पड़ेगा, वो भी लेते हैं, चलते हैं फिर। अब अगर रात में जगते रहे तो फिर दिखाते रहेंगे, नहीं तो फिर सुबह के नज़ारे उठते ही दिखाएंगे। और सुबह 5 बजे लगभग फतेहपुर पहुंच जाती है, तो 4 बजे तक उठ जाएंगे, 4-4:30 बजे तक, बाकी देखते हैं। और टाइम अभी हो चुका है 11:35 और अभी पहुँचे हैं खुर्जा जंक्शन, अभी अलीगढ़ नहीं आया। और टाइम अभी हो रहा है 12:10, 3 घंटे लगा अलीगढ़ पहुँचने में, राइट टाइम चल रही है। थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है यहाँ पे, मौसम अच्छा है, ठंडा है एकदम। चलते हैं अभी, अब नींद लगी है, सोएंगे। बहुत दिन बाद सुनी है आवाज़, सब्जी बोड़ी चाय चाय। टाइम अभी रात के 2:15 बज रहे हैं और इटावा जंक्शन आ चुका है, और ये रुहेलखंड और बुंदेलखंड मीडिएटर है एकदम। आप यहाँ से बुंदेलखंड के लिए भी जा सकते हैं और रुहेलखंड, दोनों का एंट्री गेट है। चलते हैं, अभी 3 घंटे का और सफ़र है। नींद आ नहीं रही है, पता नहीं क्या हुआ, नींद ही नहीं आ रही है, अचानक चली गई एकदम, भाग गई नींद। बारिश अभी भी हो रही है, हल्की हल्की है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। और ये सामने भी प्रयागराज खड़ी है, प्रयागराज एक्सप्रेस, धमाकेदार बारिश हो रही है, धमाकेदार। फाइनली हम पहुंच चुके हैं फतेहपुर, थोड़ी दूर और है स्टेशन, और भाई को बोलते हैं बाय बाय, कब मिलेंगे दोस्त, कब मिलेंगे, जब कहो तब मिलेंगे यार, ऐसी क्या बात हो गई यार, बाद में मिलेंगे। यही छलांग लगाएं सीधा मुरारा, बाद निकलेंगे अब। चलते हैं, मिलते हैं फिर। बिल्कुल साहब, चलते हैं अब, यहीं तक हमारा साथ था। और इस स्टेशन की यही खासियत है, ये पूरी ट्रेन एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आ जाती है, और भाई अभी बाय बाय कर रहा है।
यही कानपुर सेंट्रल में, जबकि वो सेंट्रल है, वहाँ से पूरे इंडिया की ट्रेनें मिलती हैं आपको, उसमें भी ये पूरी ट्रेन नहीं आ पाती, एक दो बोगियाँ इस प्लेटफॉर्म के बाहर लगी रहती हैं। तो इतना लंबा है ये हमारा फतेहपुर स्टेशन। अभी चलते हैं, देखते हैं, कुछ साधन पकड़ते हैं, घर पहुँचते हैं। तो फाइनली 4 महीने बाद घर वापसी। चलते हैं, अभी थोड़ा दूर और बचा है, थोड़ा रेस्ट करते हैं, रात भर सो नहीं पाए, 1 घंटे की मात्र नींद हो पाई यार। चलते हैं, पहले रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे शाम को आपको। तब तक के लिए बाय बाय।